महादेव परीक्षा लेना चाहते हैं हम सबकी। हम जिस लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं उस पर कच्चे हैं या पक्के? अगर हम पक्के हैं तो इस इंद्रदेव की चुनौती को स्वीकार करते हैं। जब भी इस प्रकार की परिवर्तन की लड़ाई आई है, हमको ध्यान है गोवर्धन पर्वत को लाठियों पर उठाकर गवालों ने खड़ा किया था और इंद्रदेव की उस जिद को हराया था। किसान नहीं हारा था, गवाले नहीं हारे थे, इंद्रदेव हारे थे। उसी परीक्षा की घड़ी में अगर हम हैं तो आओ जमकर बरसो। मैं स्वागत करता हूं इस बरसात का, क्योंकि इस बार बरसात कम आई है और मुझे इसलिए लगता है कि ये मेघ इसलिए बरस रहे हैं कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विजनरी किसान नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी आए हैं। पहले से पूरे वक्ता चर्चा कर रहे थे, किसने कौन है इस देश में दूसरा नेता जो अपने साथ सैकड़ों किसानों को इजराइल ले गया, जो सबसे अच्छी खेती दुनिया में करते हैं, आत्महत्याएं हो रही है विदर्भ में, और किसानों में ये सपना जगाया कि चलो मेरे साथ उस यरूशलेम की भूमि पर, उस इजराइल की भूमि पर जहाँ का किसान सबसे अच्छी खेती करता है उसको तुम देख कर आओ और इस विदर्भ की भूमि को, उस प्रकार की प्रगति की भूमि को बनाओ। ऐसा विजन की नेतृत्व तो हमारे मध्य में है। हम मैं हृदय से उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मुझे आनंद का विषय है जब हमको वारदाना नहीं मिलता, जब हमारे बासमती का भाव नहीं दिया जाता। हमारी बहन सुषमा स्वराज संसद में जिस प्रकार से लड़ती है कि वारदाना दे दो, मुझे कड़े का भी छोड़ा इस बासमती के भाव ने। किसान के हृदय में आपकी एक एक छवि वो अमित छाप बनी हुई है बहन जी, जो जो बात आप किसान के लिए कहती हो। जब हम उनके बीच में जाते हैं, किसान हमको कहता है कि हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आज किसान के दर्द को समझती है और उस दर्द को व्यक्त करती है। किसानों के नाम पर राजनीति, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत होंगे, लेकिन टप्पल में गोलियां चलती हैं तो राजनाथ सिंह जी सबसे पहले जाकर उस धरने पर बैठते हैं। पट्टा प्रस्ताव में पीएससी का अत्याचार होता है तो सबसे पहले उधर बढ़ते हैं। कहीं गाजियाबाद में बैठने की जरूरत पड़ती है तो लैंड एक्विजिशन के लिए वहां बैठते हैं। सारी उम्र अनुशासन में रहने वाला नेता जब किसानों पर जुल्म होता है तो बेल में आता है। ये दर्श हमने लोकसभा में देखा है राजनाथ सिंह जी, और भारत के किसान के हृदय में उसकी अमिट छाप है। ये भारत के कोने कोने से आया किसान एक दर्द अपने दिल में लेकर आया है। इनकी जेब से पैसे चुरा लिए हैं मनमोहन की सरकार ने, वो कोयले में चुरा रही है, वो दूसरे घोटालों में चुरा रही है। हमारी जेब से खाद के पैसे चुरा लिए इस सरकार ने। अगर इसी प्रकार से सब्सिडी दी जाती जैसे पहले दी जा रही थी, 2008 और 9 में 1,00,000 करोड़ का बजट था इस देश की सब्सिडी का, और उसके बाद सरकार ने नीति बदली, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी हमको बताई और हमारी सब्सिडी घटा दी गई। पिछले साल जो हमको आंकड़ा मिला 63,000 करोड़, अगर 1,25,00,000 उस तरह से ही वो बढ़ती, 8 और 9 में डॉलर के भाव बढ़ने के हिसाब से बढ़ती, तो अभी उसको 1,25,00,000 करोड़ होना चाहिए था। ये 62,000 करोड़ हम किसानों की जेब से निकाल लिया। इस देश में 12 करोड़ किसान परिवार है, हर किसान की जेब से 5,000 रुपए लूट लिए इस कांग्रेस की बैठी हुई एनडीए की सरकार। हम वो लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं आपके नेतृत्व में। इस देश में सबसे पहले कोई वक्ता भाषण शुरू करता है तो कहता है कि किसानों का देश, वो कहता है कि भारत में कृषि कल्चर है, केवल एग्रीकल्चर नहीं है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं अब कृषि केवल कल्चर नहीं है, कल्चर से आगे जाके इस देश की आधी से आधी आबादी का ये व्यवसाय है। उनको भी रोटी चाहिए, उससे भी आगे जाके खेती अब पूंजी सघन है, अब बाजार के पैसे से खेती होती है। किसान के घर के बैलों से, उसके घर के बीज से, उसके पास घर का पेस्टिसाइड नहीं है, उसके पास अपना फर्टिलाइजर नहीं है, वो सब बातों पर बाजार पर निर्भर हो गया है और खेती पूंजी सघन हो गई है। और इस देश ने खेती के प्रति नीतियां इस प्रकार से नहीं बदली जो एक पूंजी सघन व्यवसाय के लिए खेती की नीतियां होनी चाहिए। हम मर रहे हैं, आधे घंटे में एक किसान इस देश में आत्महत्या करने को भी विवश हो रहा है। पिछले 15 वर्षों में 2,50,000 किसान आत्महत्या करने को विवश हुए हैं। मुझे इस मंच से कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2,50,000 किसानों की मौत
गलतियों के कारण हुई है, ये कारणों का परिणाम है। हमारे लिए कोई प्राइस का मैकेनिज्म नहीं है, इस देश में किसानों के लिए कोई मूल्य नीति प्राइस नीति नहीं है। हम डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करते हैं, बाजार हमारे साथ खेल खेलता है। केवल 22 फसलों का MSP घोषित होता है और वो MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब है जब तुम मरने लगोगे तो ग्लूकोज की 2 बोतल तुमको हम चढ़ा देंगे। वो MSP हमारे लिए MRP हो गया, उससे ऊपर बिकता ही नहीं है, उससे नीचे बिकता है। ये MSP हमको मार रहा है। इस देश में मजदूर की न्यूनतम मजदूरी तय है, उसको ना मिले उसके लिए लेबर इंस्पेक्टर है। हर सरकार मिनिमम वेजेस घोषित करती है। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ, देश का सारा मीडिया खड़ा है, क्या इस देश में भारत के किसान की न्यूनतम आमदनी तय है? भारत के किसान की कोई न्यूनतम आमदनी तय नहीं है। ये तो MSP में 12 आधारों पर MSP कैलकुलेट किया जाता है, उसमें किसान की न्यूनतम आमदनी की कोई चर्चा नहीं है। वो कहते हैं कि हमको बाजार देखना है, हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग देखनी है, हमको इंटरनेशनल मार्केट देखनी है, हमको देखना है कि किस प्रकार से देश के उद्योग चले, मेरा घर चले ना चले, मेरा चूल्हा चले ना चले, वो उनको नहीं देखना है। और जब हम कहते हैं कि कम से कम कॉस्ट तो लगा लो, कितने रुपए में ले रहे हो हमसे, अभी हमने हिसाब लगाया था 1350 रुपए प्रति क्विंटल धान की उत्पादन लागत। ये लागत तब लगाई थी जब सूखा नहीं पड़ने वाला, और आप हमको दान घोषित कर रहे हो 1250 रुपए पर क्विंटल की ठगी हमारे साथ। 100 करोड़ क्विंटल धान इस देश में पैदा होता है, 100 रुपए पर बोरी की लूट का मतलब हुआ 10,000 करोड़ की ठगी। यह मनमोहन सिंह जी की सरकार आने वाली फसल पर किसानों से करने की योजना कर चुकी, लेकिन अभी तो समर्थन मूल्य की क्या बात करें, क्योंकि सूखा पड़ गया है, और सूखा पड़ने के कारण से किसानों की जो लागत है वो 1500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमको प्रति क्विंटल कम से कम 250 रुपए लूटेंगे। जिस प्रकार की ये लूट वाली सरकार के खिलाफ यहाँ अभी इकट्ठा होने आए हैं, देश में सूखा है, अकाल है, बिजाई नहीं हुई हमारी फसलों की, हम खेत में खाली पड़े हैं, हमारे यहाँ चारा की फसलें नहीं उग रही, धान नहीं लग रहा। सरकार ने एक कमीशन बनाया था, वाजपेयी जी की सरकार ने, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जब कृषि मंत्री थे, इनकी पहल पर किसान आयोग देश में बना था, सोमपाल शास्त्री उसके चेयरमैन बने थे। इस सरकार ने स्वामीनाथन जी को चेयरमैन बनाया बदल के, उसकी रिपोर्ट सम्मिलित हुए 6 साल हो गए। इस सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया, मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाई कि स्वामीनाथन रिपोर्ट कैसे लागू हो। उसके लिए हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब उसके प्रमुख बने, उस कमेटी को हुड्डा कमेटी कहते हैं। उस कमेटी ने कहा कि ये रिपोर्ट लागू करो, और किसान के खेत में अगर फसल किसी भी तरह से नष्ट हो जाए तो उसको 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दो। उस रिपोर्ट दिसंबर 2010 में जमा हो गई, इस सरकार ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देने की बात चलती है, हम उसके समर्थन में हैं। देश के हर किसान का खाता खुलवाओ, सब्सिडी के पैसे उसकी जेब में डालो, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये नीति बदल जाए हम इसके समर्थन में नहीं है। आज उसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आए हैं। हम मध्य प्रदेश और कर्नाटक की तरफ पर 0% ब्याज मांगने के लिए आए हैं। हम मांगने के लिए आए हैं इस समय में कि हमको किस प्रकार से आप डीजल पर से पैसा दीजिए, क्योंकि हम इस समय नहीं लगा पा रहे। कितनी बार फसल को सिंचित करेंगे, पानी नहीं पड़ा, साउथ वेस्ट मानसून पूरी तरह फेल हो गया, कर्नाटक के साथी आए हैं भयंकर सूखा है, महाराष्ट्र के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथी बैठे हैं भयंकर सूखा है, गुजरात में सूखा, राजस्थान में सूखा, हरियाणा और पंजाब में सूखा, देश के अन्य राज्यों में भी बारिश कम हुई है, और कहीं हुई तो बाढ़ आ गई। उस सबके लिए, किसानों के लिए दरवाजे खोलिए सरकारी सहायता के, ये मांग करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमको केवल सरकार की नीतियां नहीं मार रही, हमको बाजार भी मारता है। बासमती का मुद्दा बहन आपने उठाया था, पाकिस्तान का बांस पर चावल जा रहा 50 रुपए किलो, दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा, हमारा हो रहा 25 रुपए किलो, कौन हमको लूटा है? हमारे साथ कैसे कर रहा है बाजार? इसकी थोड़ी सी बात मैं साझी करना चाहूंगा। एक गाँव में एक बंदर खरीदने वाला व्यापारी आ गया, और उसने कहा मैं बंदर खरीदूंगा और एक बंदर 100 रुपए में लूंगा। 100 रुपए में एक बंदर लेना शुरू किया, गांव के तगड़े लोग से पकड़ लाए सब बंदर। जब बंदर कम हो गए तो कहा कि अब 200 रुपए में लूंगा, जब और कम हो गए तो कहा 500 रुपए में लूंगा,
सारे बंदर पकड़ लिए, दो चौकीदार छोड़ दिए, व्यापारी चला गया और चौकीदारों ने कहा कि इस बार आएगा तो 700 रुपए मिलेगा। गांव वालों ने कहा बंदर तो नहीं है, लाए कहां से? बोला हम दे देंगे 500 रुपए में, हमसे ले जाओ। वो उनसे पकड़वाए हुए बंदर सब किसानों को बेच दिए, बाड़ा खाली हो गया, चौकीदार चल गए। अभी यही हमारे साथ किया गवार में, हमारा गवार 4000 रुपए किलो खरीद, 4000 रुपए क्विंटल खरीदा, फिर 8 खरीदा, फिर 15, 18, 20, 20000 रुपए क्विंटल गवार का भाव। हमको हैरानी हो रही थी कि गवार किस भाव पे जा रहा है, और जब फसल की बिजाई का समय आया वही गवार हमको 40000 रुपए क्विंटल के भाव से वापिस बेच दिया। यो की यो बंदर की कहानी इस फ्यूचरिस्टिक मार्केट के माध्यम से हमारे सामने साक्षात कर दी गई। बाजार कैसे मार रहा है इस देश में, जिस देश में पोटास 100% एक्सपोर्ट होता हो, खाद जिसमें 95% फास्फेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती हो, बाहर से आती हो, पोटास बाहर से 100% आता हो, सल्फेट बाहर से आता हो, क्या उस देश की खादों को बाजार के हवाले छोड़ा जा सकता है? किसान के इनपुट को, किसान के आउटपुट को बाजार के भरोसे हम नहीं छोड़ने देंगे। यही लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं कि डीएपी के बढ़े हुए दाम वापिस हों, हमारे एमओपी के बढ़े हुए दाम वापिस हों, एसएसपी के बढ़े हुए दाम वापिस हों। और हमको हृदय से आनंद है, और आनंद नहीं पूरा भरोसा है, देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का नेतृत्व आज किसान मोर्चा के साथ इस लड़ाई में शामिल है। हम केवल लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे इस लड़ाई को। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारी प्रतिपक्षी नेता बहन सुषमा जी ने, हमारे किसान नेता की, हमारे राजनाथ सिंह जी ने हमको आश्वासन दिया है कि लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं होगी, पार्लियामेंट के अंदर भी होगी। तुम्हारी लड़ाई केवल संसद मार्ग पर नहीं है, हमारी लड़ाई संसद में भी होगी। मैं अपने सारे नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत।